गोला थाना क्षेत्र के भीटी गोला के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप का 16,10,425 रुपए लूटने का प्रयास करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड सरगना को बुधवार को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस लाइन के सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त के ऊपर विभिन्न थानों में लगभग 2 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज है। इसकी पहचान गोला थाना क्षेत्र के बनकट्टा निवासी पालन राय उर्फ जितेंद्र राय पुत्र स्वर्गीय अवधेश राय के पुत्र के रूप में हुई है। इसके पास से 315 बोर का एक कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त बिना नंबर की सफेद अपाची बाइक बरामद हुई है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए घटना की पूरी जानकारी देते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया। अभी बस कंडक्टर का काम ये 1 जून के तारीख के ऊपर इसी महीने के दोपहर के अंदर करीबन 1:30 से 2 बजे के आसपास पेट्रोल पंप से कैश लेके जा रहे थे, जिसके अंदर लगभग 16 लाख रुपए कैश था। और ये थाना गोला का मैटर है जहाँ पे लूट का प्रयास हुआ। ये लूट का प्रयास असफल हो गया था, लूट नहीं हो पाई। इस घटना का नाम और इस घटना का मुख्य सूत्रधार है, मुख्य अभियुक्त है पालन राय और जितेंद्र राय, इसको गिरफ्तार किया गया। इसके ये थाना गोला का ही हिस्ट्री शीट है। लगभग इसके ऊपर 23 मुकदमे अलग अलग धाराओं के हैं, जिसके अंदर लूट, गैंगस्टर, इन सब का मुकदमा है। इस घटना के अनावरण में अभी तक जो चीज़ें प्रकाश में आई हैं, इसका एक साथी है जिसका नाम जानकारी में आया है, उसके साथ एक और व्यक्ति है अमरजीत मिश्रा, जिसकी की मोटरसाइकिल रिकवर हुई है, वो इस घटना में शामिल था। साथ ही साथ इसमें 3 लोग और शामिल थे। फोनों के थ्रू इन लोग की आपस में जानकारी हुई, एक दूसरे से परिचय हुआ। जो अमरजीत निषाद है उसके ऊपर भी सैजनवा बेली पार्क थाने के अंदर काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं, गैंगस्टर का, डकैती का भी मुकदमा दर्ज है। इन लोगों ने घटना को प्लान किया, घटना के अंदर ही असफल हुए, उसके बाद कभी भागे, पुलिस की घेराबंदी हुई, यदि लोग अलग अलग डायरेक्शंस में डिस्पर्स हुए। तो मुख्य अभियुक्त, जैसा मैंने बताया, पालन को गिरफ्तार किया गया है। अमरजीत का नाम प्रकाश में आ गया, शेष लोगों का नाम हम इन लोग से और रिमांड के लेकर पूछताछ करेंगे। कुछ क्लूज हम लोग को और मिले हैं, जैसे गाड़ी वगैरह इत्यादि, तो शेष जो बाकी लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। अमरजीत के ऊपर रिमांड घोषित कराया जा रहा है। सूट ये बेसिकली इसके ऊपर काफ़ी मुकदमे हैं, जैसा मैंने बताया 23 मुकदमे इसके ऊपर हैं। और ये वर्तमान में बस कंडक्टरी का काम कर रहा था, काफ़ी इसका जो खर्चा था ये चल नहीं पा रहा था। इसका मेन कारण जो इसने बताया कि मेरे को एक बस परचेस करनी थी, और इस जो पर्टिकुलर घटना के अंदर कैश का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा था, तो इसका प्रयास यही था कि उस घटना को पढ़ने के बाद अपने शेयर से ये उस चीज़ों को परचेस करें। इन्होंने हवाई फायर भी किया, गोली मारने के लिए। क्या उनको पहचान गए थे? पहचान गए।